इनकी पहली ब्लॉकबस्टर थी हीरो. एब्सोल्युटली. उसके बाद मेरी जंग, मैं बलवान, आंधी तूफान, दिलवाला, शहंशाह, परिवार, घर हो तो ऐसा, घायल, आज का गुंडा राज जैसी हिट पे हिट फिल्में देकर इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अलग जगह बना ली थी. माधुरी दीक्षित और जूही चावला इनके फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करती थी. दामिनी में तो इन्होंने दामिनी यानी बिजली ही गिरा दी थी. अपने एक्टिंग करियर के पीक पर आकर ये अपने फैंस को तरसता और तड़पता छोड़कर यूएस चली गई. क्यों क्यों क्यों? इंडिया इज वन ऑफ द रेयरेस्ट मिस इंडिया टर्न्ड सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस. ओ सो ब्यूटीफुल मीनाक्षी के छात्रे. मीनाक्षी जी के लिए जोरदार तालियां. एपिटोम ऑफ ग्रेस, माइंड ब्लोइंग सुपरस्टार, वाओ, हिस्टोरिक. आज मैं यहां आई हूं सालों 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 बाद. फैंटास्टिक कंटेस्टेंट्स, पेरेंट्स, ऑडियंस एंड द स्पेशल स्पेशल जजेस, थैंक यू सो मच. आप लोगों से मिलकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरे संगीत के प्रेम को मैं आपके साथ आज जोड़ना चाहती हूँ. मैं यूएस में गई. हाँ जी मैम. माँ बनी, वाइफ बनी, सब बनी और बावर्ची भी बनी जिसकी आदत मुझे बिल्कुल नहीं थी. लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि साउथ इंडियन वेजिटेरियन खाना मैं काफी अच्छा बना लेती हूँ. अरे वाह, क्या बात है. आप खाना बनाना पसंद करती हैं, हम खाना खाना पसंद करते हैं. What a match. Yeah, what a match. मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच. प्लीज हैव योर सीट. लेट्स हैव अ वंडरफुल एपिसोड. मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. और जजेस, दर्शकों, मैं आप सबको बता दूं कि 96 के बाद पहली बार मैम स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, यानी 27 इयर्स के बाद मैम ने इंडियन आइडल को चुना है. लकी अस, अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए. थैंक यू सो मच मैम, वी फील सो लकी. बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को. प्रेजेंटिंग K3L, खुदार कन्या काव्या लिमय और NRM यानी कि नेशनल रिजेक्टेड माल चिराग कोटवाल. कुछ भी हो लेकिन रांझे की हीर होती है.
आती है ये सब किससे है पुराने मैं तो बस इतना जानू 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 मैं तेरा जानू तू मेरी दिलबर है मैं तेरा जानू हूँ तू मेरी दिलबर है पर प्रेम गंध के पन्नों पर तू मेरा हीरो है ओ मैं तेरा जानू हूँ तू मेरी दिलबर है मैं तेरा जानू हूँ तू मेरी दिलबर है मैं तेरा जानू हूँ जो गाने बज रहे हैं इतने लेजेंडरी गाने इतनी लेजेंडरी फिल्में वो हमारे बाजू में बैठी हैं यार मीनाक्षी शेषाद्री जी वन एंड ओनली इसी आइकॉनिक गाने को लता जी ने गाया था एंड काव्या यू हैव डन मोर देन जस्टिस टू द फीमेल पार्ट थैंक यू एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शहनशाह फिल्म में आपकी और अमित सर की जोड़ी क्या लगी थी इस जोड़ी के लिए तालियां तो मैम कैसा था अमित जी के साथ काम करना क्योंकि वो इतने डिसिप्लिनेरियन हैं इतने पंक्चुअल हैं इतने फोकस्ड हैं तो कैसा अनुभव रहा मैम अमित जी के साथ बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ बहुत फोकस्ड हूँ बहुत एनर्जेटिक हूँ ये बात उनके साथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी आप सबको जो आई डोंट थिंक दुनिया जानती है मैं 10th क्लास दिल्ली में स्कूल में पढ़ रही थी हम सब बच्चियाँ स्कूल बस में घर लौट रहे थे हमारे सामने रोड पे एक मोटर बाइक पे अमिताभ बच्चन और रेखा जा रहे थे सिलसिला फिल्म की शूटिंग चल रही थी
हमारा बस ड्राइवर पूरे जोश में कहा इनके पीछे जाते हैं घर बाद में जाएंगे तो हम लोगों ने कहा गाड़ी रुको गाड़ी रुको वो रुक गए लेकिन उसी वक्त यश चोपड़ा आए गाड़ी में और बोले अमित शॉट रेडी चलो तो अमित जी ने कहा सॉरी गर्ल्स कट टू 5 साल बाद ऊटी में शूटिंग हो रही है शहनशाह की अमित जी मोटर बाइक पे सामने और पीछे रेखा जी नहीं मैं क्या बात है कभी सोचा था कि ऐसा होगा सपनों में भी नहीं सोचा था वाओ क्या बात है मैन इनक्रेडिबल इस बात पे जोरदार तालियां होनी चाहिए यार तारे गवाह हैं गवाह हैं चांद तारे गवाह हैं तेरे मेरे मिलन के अपने दीवाने पन के नजारे गवाह हैं गवाह हैं चांद That was beautiful. ये गाना मेरे लिए इतना स्पेशल है और आज आपने इसे और स्पेशल बना दिया लाइव मेरे कानों में आपके ये जो मधुर स्वर हैं अभी भी गूंज रहे हैं दिस सॉन्ग लगता है बड़ा सिंपल बट इसे एकदम पिच परफेक्ट गाना दिल से गाना खूबसूरती से गाना दैट्स एन आर्ट एंड यू डिड दैट टुडे थैंक यू सो मच एक शख्स है जिसने सिंगिंग की वर्जिश तो की लेकिन साथ ही साथ दिन रात बहुत मेहनत की है
सर मुझे जैसे जब पता चला कि मीनाक्षी मैम आ रहे हैं हमारे सेट पे, इतने ग्रेट डांसर हैं, तो मैं सारी प्रिपरेशन के साथ आया था कि मतलब अगर अगर इनके चांस मिले उनके साथ डांस करने का तो मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.